जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ, जो मुझे देखते हैं उन्हें ये लगता है कि मैं भगवान में या ईश्वर में विश्वास नहीं करती हूँ या मुझे श्रद्धा नहीं है। मैं कोई नहीं होती कि मैं किसी की सोच बदल सकूं, मैं कोई नहीं कि किसी की गलत फहमी दूर कर सकूं। मेरे लिए ईश्वर की प्रार्थना करना मेरा एक निजी मामला है जो मुझे लोगों में बांटने की ज़रूरत नहीं कि मैं आस्तिक हूं या नास्तिक हूं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं सिर्फ ईश्वर को प्रार्थना करूं और मन में ईश्वर की उपासक हूं ये सोचूं और मन में बैर रखूं, लोगों के प्रति हीन भावना रखूं, सही गलत ना समझूं, हर बात का इश्यू बनाऊं और मन ही मन में लोगों को कोसती रहूं, क्या इसे ईश्वर को मानना कहते हैं? मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा या विश्वास करना कहते हैं? बिना सही गलत जाने मेरा ईश्वर को पूजना व्यर्थ होगा। कोई भी धर्म ग्रंथ ले लो, कोई भी धर्म ग्रंथ हमें ये नहीं सिखाता कि आप लोगों के लिए ईर्ष्या रखें, आप लोगों के प्रति हीन भावना रखें, आप लोगों का बहिष्कार करें या आप लोगों को तुच्छकारें। कोई भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है। किसी को नीचा दिखाना, लोगों के प्रति ईर्ष्या रखना ना समझी की एक निशानी है। अभी भी वक्त है, ईश्वर की अर्चना आराधना करते हैं तो अपने आप को जाने कि आप सही मायने में ईश्वर की अर्चना या प्रार्थना या विश्वास या श्रद्धा मन में रख कर आप लोगों के प्रति क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं। सोचने की ज़रूरत है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको सोच के साथ साथ समझने की भी ज़रूरत है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।